आइए सुनते हैं काव्य नाटक राधा माधव। इसके लेखक हैं उद्भ्रांत, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। राधा की थरथराहट सर्वत्र व्याप्त, प्रकृति की संपूर्ण सत्ता में यह पृथ्वी गंध, यह आकाश का अनंत, ये वृक्ष झुक झूम लहकते चहकते हुए पर्वत, ये उन्मुक्त प्रणय के प्रतीक, और नदियां कल कल निनाद में करती खिलखिल, उनके तरल प्रवाह में राधा की उपस्थिति का अक्षुण्ण संगीत झंकृत, सुगंधित हवाओं के पंखों पर उड़ते आ रहे शास्त्रीय राग जल में जैसे लगी हो आग, संवेदन का प्रकाश निलय माधव की पृथ्वी पर राधा का भाव। यह आराधन राधा का, यह आराधन सख्य भाव सर्वहित साथी। आई राधे, विस्मृति के सागर में डूबा अहं भाव, शने शने तैरती ममत्व की तरी, यह करुणा यह सहृदय का विस्तार, यह विस्मरण यह मरण नेह की देह का, यह लीला संचरण राधा का माधवी शिवत्व। अनिर्वचनीय नहीं कोई द्वैत, यह अखंड अद्वैत, यह पीर आत्म से परात्म तक विस्तरित, यह अनन्य अनुभूति रूपांतरण सर्वात्म का, अब कैसी अपेक्षा परीक्षा कैसी, अहंकार के अंधकार का संपूर्ण विलय, संवेदन का प्रकाश निलय, माधव का, माधव की पृथ्वी पर राधा भाव का प्रलय। हे माधव, आत्म में स्थित सहस्त्र दल कमल की तरह तुम खिल रहे हो शने शने, तुम्हारा खिलना मेरे अस्तित्व के लिए स्मृति के कुंजों में विचरना है, जैसे जैसे कि कोई मयूर नाच रहा हर्ष विभोर हो अपने चंदोवायुक्त हरित बैजनी पंखों की झालर को संपूर्ण फैलाए, तुम्हारा मोर पंखी मुकुट, ये पीली धूप जैसे तुम्हारा पीतांबर फहरा रहा हवाओं में, और ये हवाएं बहाए ले रही हैं कोई सम्मोहक संगीत, चीड़ वनों से कदंब के वृक्ष से पृथ्वी की वानस्पतिक गंध बसंत की तरह मेरे मन प्राणों को कर रही है विमुक्त, मन जो एक वृंदावन है, प्राण जैसे गोकुल। मन जो एक वृंदावन है, प्राण जैसे गोकुल, यह देह तो तुम्हारी ही है, तुम्हारे लिए ही, बांसुरी की तरह राग का प्रसरण करती आकंठ। संध्या को जमुना के जल में उठती हैं लहरें, जब तो मेरे मन की नदी में जैसे हिलकोरे उठने लगती कि सांवला सलोना श्याम घन श्याम बनकर
जाने कब आबर से छेड़ता हुआ अपनी जादूगरनी वंशी के सम्मोहक सुरों से राग मेघ मलार उन्मा। और मेघ राजा के आदेश की अवहेलना करें और बरसें धाराधार, मुझे संपूर्ण समाविष्ट किए धाराधार। मेरे अंतस का वृष मंडल जल के रस से हो उठे आप्लावित। मेरे आत्म को ज्ञात है भली भांति कि अपनी कनिष्ठिका पर उठाए मन के गोवर्धन को तुम उसे बचाए रखोगे धन के आतप से और सराबोर होने दोगे। जमुना के जल को प्रदूषित करने वाले मन के उच्छिष्ट कूड़ा करकट और मैले कुचेले लोक संहारक विषैले व्यवहार के भयंकर भुजंग काले नाग को अपने सुसंस्कृत लोकाभिराम रंजक शालीन आचरण से दमन कर तुमने जो लीला की वंशी की बीन धुन सुनाते हुए। माधव हे, उससे ब्रज की जलवायु स्वच्छ हुई, पर्यावरण के प्रति निवासियों की अशुद्ध दृष्टि बदली। अरे हमारे कान्हा तो कार्तिक पूर्णमासी की रजत रश्मियों की झिलमिल के बीच सखी गोपियों की खिलखिल मेरी सस्मिति लुका छिपी का जैसे खेल रही खेल कोई। और तुम्हारी अनगिनत छवियां और प्रति छवियां भी कौतुक भरी लीला सी रच रही। कुछ ऐसे हर सखी को होता आभास माधव तुम ही उसके साथ क्रीड़ा कर रहे। खेल रहे उनके साथ स्वप्नवत खेल कोई इंद्रधनुष के रंगों वाला। जबकि तुम यथार्थ के प्रकाश में मेरे मात्र मेरे ही साथ थे। चंद्रावली मेरे प्रति तुम्हारे अनुराग को ले रखती अमर्ष थी, मेरे मन में उसके लिए करुणा गहरी थी, वो भी छटपटाती थी, तुम्हें नहीं पाती तो अश्रु बार बार उसके कपोलों से ठुलकते। सच तो ये है माधव, उनकी वेदना से शत गुणा अधिक मेरी वेदना होती, लेकिन इस सच को वे कैसे कर सकती थी हृदयंगम, आज मैं समझ सकती हूं इसे। सत्य है सापेक्ष। लेकिन जब समय अधिक हो जाता तब तुम अचानक कहीं से किसी झुरमुट से या फिर किसी घने वृक्ष की डाली हटाते और कूदते हुए उससे प्रकट हो जाते अनायास ही। उसी तरह अपनी त्रिभुवन मोहिनी मुस्कान को अधर पर बिखेरे हुए हंसती खिलखिलाते या बांसुरी बजाते और तुम्हें एक दृष्टि देखते ही जैसे निष्प्राण हो चुकी मेरी देह में
जीवन के पुष्प सुगंधित हो, मुस्कुरा उठते चमकती स्निग्ध चांदनी रात। हमें इस तरह खेलते और किलकारी भरते देख हर्ष से विभोर मत झूमती। महारास में ब्रज की सारी गोपियों को तुम वैसे ही मनमोहक रूप में अधरों पर बांसुरी धरे अपनी चपल उंगलियों से सम्मोहक धुन छेड़ते, पीतांबर धारण किए कटी में करधनी शीश पर शोभित मोर पंख इसी रूप में आभासित होते, बांसुरी को निमिष मात्र के लिए हटा अधरों से छेड़ते मुद्राएं बनाकर बंकिम। माधव रूपी प्राण तो बस मुझ में ही, बस मुझ में ही अंतरंग बातें और खेल कूद कर रहे। सत्याभासित मृगमरीचिका के सुंदर वृत्त में नृत्य करती चक्राकार, मैं उन भोली सखियों को छूटा कैसे कहूं, जबकि तुम मेरे मात्र मेरे दिव्य आत्म के ही संग थे हर क्षण। माधव, तुमको समग्र जानकर भी नहीं आज तक मैं समझ पाई रंच मात्र। दिवस रात्रि वे कुमारिकाएं बस तुम्हारा ही स्वप्न देखती थीं और सदा कामना करती थीं वे तुमको ही, मात्र तुमको ही पाने की, पति के रूप में। बच्ची थी वे, बच्चा चांद को पाने का जैसे हट करता माँ से, वैसे ही वे सब अभीप्सा करती तुमको पाने की स्वामी के रूप में। और अपनी इस बाल कामना को छुपाती भी नहीं थी वे अपने जनक और जननी से, जो इसे सुनकर बड़े जोर से ठहाका मार हंस पड़ते। मैं भी अपने माता पिता की बड़ी दुलारी थी, बड़े लाड़ प्यार से उन्होंने पाला था मुझे। मेरी किसी भी इच्छा को उन्होंने कभी भी रहने नहीं दिया अपूर्ण, लेकिन मेरे मन के किसी कोने में कभी ऐसी इच्छा ने नहीं जन्म लिया कि मैं तुम ही को पाऊं पति रूप में अपने। भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को अनुराधा से ज्येष्ठा नक्षत्र में संचरण करते हुए जन्मने वाली मैं, अनुराधा के व्याज से हुई राधा, और ज्येष्ठा के कारण ही तुमसे ज्येष्ठ कुछ हुई मैं। किंतु उम्र के अंतर की मुझको नहीं अनुभूति हुई कभी। गौरा थी मैं, उस नक्षत्र को क्या इसीलिए कहा गया ज्येष्ठा गौरी नक्षत्र, किंतु नहीं समझ सकी आज तक अष्टमी को राधाष्टमी या दुर्गाष्टमी क्यों कहा गया। क्या तुमने ही किया प्रचारित से अपनी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूरक बनाते। दूध दही लस्सी के सकोरे को बूरे से खूब मीठा करके खिलाते हुए सभी घरों में होता है तुम्हारा सुस्वागतम। अपने नटखटपन से तुमने दूध दही छाछ की न जाने कितनी मटकियां फोड़ी। जब से मुझ में आई चेतना शायद ही कोई दिन ऐसा हुआ हो व्यतीत, नहीं सुनी होगी कोई कथा परिकथा तुमसे संबंधित अभिनव। कभी सुना 27 दिन के ही थे मात्र तुम, और झूल रहे पालने में थे, कोई शैतान व्यक्ति आकर चुपके से बैठ गया पालने में, ताकि गला घोंट कर दे तुम्हारी हत्या। लेकिन शक्ति से भरपूर तुम्हारी चलाई एक लात ने ही
उसका प्राणांत कर दिया क्षण में। पालना भी टूटा और नीचे तुम आ गिरे और लगे जोर जोर से रोने। जिसे सुनकर दौड़ी आई जसुदा माँ और नंद बाबा, दोनों ही इसे देख विस्मय से भर गए। मृत पड़ा एक व्यक्ति और टूटे हुए पालने को देख हिलकारी भर के रो रहे थे तुम। निश्चय ही कोई राक्षस था भेजा कंस का, जो आया लाल को हमारे मारने। कहते हैं कंस को ज्योतिर्विदों ने समझाया कि तुम ही हो देवकी के वे पुत्र आठवें, जिसके हाथों उसकी होनी है मृत्यु। इसीलिए तुम्हारी बाल्यावस्था में तुम्हें मार देने के लिए उसने कितने ही प्रयास किए विफल। इसीलिए लाल को हमारे मारने के लिए किसी ना किसी को वो भेजता ही रहता है थोड़े अंतरालों पर। किंतु माधव, इसमें था किंचित संदेह नहीं, बालपन से ही तुम सचमुच थे असाधारण विलक्षण प्रकृति के। ऐसी प्रकृति जिसकी परिव्याप्ति में सम्मिलित है कृष्ण श्वेत हरित, यहां तक कि इंद्रधनुष वर्ण लिए चराचर फूक। अद्भुत तुम्हारा आचरण था और जिसके कारण ही ब्रज के सारे वासी, स्त्री पुरुष बाल युवा वृद्ध, तुम्हें समझते थे अपनी आंखों का तारा। ऐसे में मेरी जैसी गोपिकाओं की थी भला क्या बिसात? तुम्हारे जादुई मनमोहक आकर्षण से कौन रह सकता था पृथक? ब्रज कुमारियां भी अपवाद नहीं थी इसका, यहां तक कि उनमें से कुछ तो तुम्हें पति पाने की अपनी पूर्ण कामना के लिए अगहन के मास में कात्यायनी व्रत रखती थी। व्रत के दिन वे कुमारियां मुंह अंधेरे ही पौ फटने से पहले स्नान के लिए यमुना नदी के सुदूरवर्ती तट पर पहुंच जाती। नदी में उतर कर वे स्नान खूब करती, मन में लिए ये कामना भविष्य में तुम मिलो उन्हें पति के ही रूप में। यमुना नदी में गोता मारते हुए अपनी इस विचित्र इच्छा को मन ही मन दोहराती तिहराती, मानते हुए यमुना नदी को देवी स्वरूप, उससे बार बार मिन्नत करती। यमुना के सुदूरवर्ती तट पर मुंह अंधेरे में इस तरह करते हुए स्नान, उन्हें होता था भरोसा कि कोई देख नहीं सकेगा इस अवस्था में। तुझसे कहता था श्याम, तेरे पास ही रहता है तेरे मन में। राधे का जो है नहीं, मेरा भी है। यद्यपि ये कुमारियां स्नान के लिए सुदूरवर्ती तट यमुना नदी का चुनती, लेकिन यदि पास के भी तट पर वे स्नान कर रही होती तो भी ब्रजवासी पुरुष इसे जानकर नहीं जाते उस दिशा की ओर। पर माधव, तुम्हारी तो बात और ही थी, आयु में तो इन ब्रजबालाओं से कम ही थे तुम। अपनी सुगठित आकर्षक देह और बेहद भोले मुख के साथ तुम सचमुच में प्रतीत होते एक बालक से। नटखट तुम थे ही, और अपने नटखटपन में कभी कभी ऐसी शरारतें तुम कर जाते थे जिन्हें कोई युवक अगर करता तो माना जाता अभद्र आचरण उसका। गोपियों के नदी तट तक पहुंचने से बहुत पूर्व तट के पास खड़े एक घने वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए उसकी एक टहनी पर, और करने लगे इन कुमारियों की प्रतीक्षा।
रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू होते होते ही तुमने सुनी पास आती हुई पग ध्वनियां अनेक, तुम हुए सतर्क सावधान और हंसते खिलखिलाते हुए वे ब्रजबालाएं आईं एक साथ आगे पीछे टोली में अपनी घाट पर जमुना नदी के, और फिर सबने अपने सभी वस्त्र आहिस्ते से उतार रखे उसी वृक्ष के तने के पास जिसकी एक ऊंची डाली पर बैठ तुम देख रहे थे अपलक हतप्रभु। चली भीतर जल में उतर कर तट से, और इधर माधव तुम वृक्ष से निशब्द उतर तट पर रखे उनके सभी वस्त्रों अधोवस्त्रों को शीघ्रता से कर एकत्र और उनकी एक गठरी बनाकर उसे पीठ पर लादे उसी त्वरा से वापस आ बैठे पूर्ववत कदंब वृक्ष की ऊंची टहनी पर। अरे अरे देखो तो वस्त्र कहाँ गए? मेरे भी नहीं दिखाई दे रहे। यही तो रखे थे। हाँ, ये पेड़ के नीचे तो रखे गए थे, इसी वृक्ष की निगरानी में थे। हाँ, हाँ। पता नहीं तुम्हारे कहाँ हैं? तुम्हारी भी नहीं है क्या? नहीं, मेरे भी नहीं दिखाई दे रहे। अरे कौन ले गया होगा? कौन ले गया? हे भगवान, अब घर कैसे जाएंगे? माधव, हमारे वस्त्र तुम्हारे पास? ये शिष्ट आचरण नहीं तुम्हारा। माधव, छुपकर तुमने देखा हमें स्नान करते और करेले पर नीम ये कि वस्त्रों अधोवस्त्रों की चोरी कर जा बैठे हो कदम वृक्ष पर। वस्त्र हमारे शीघ्र रखो वहीं जहाँ रखे थे पहले, और इसके बाद तुम अविलंब अंतर ध्यान हो जाओ ताकि हम जमुना नदी के जल की ओट से बाहर आकर उन्हें धारण कर सकें। माधव, प्यारे माधव, अपनी इस मुग्धकारी वंशी की धुन को रहने दो मौन अभी, वरना आ जाएंगी गायें दौड़ती हुई। तुम्हें शपथ कान्हा, हमारी सच्ची प्रीति की, बंद करो इस वंशी को। हे प्रिय ब्रजबालाओ, मैं तुम्हारा प्रिय हूं। मुझको नटखट कान्ह, कृष्ण, यशोदानंदन, नंदनंदन, देवकी नंदन, माखन चोर अथवा चित चोर कितने ही नामों से पुकारती बुलाती खेल करती रही हो तुम। मैं भी संग तुम्हारे पाता रहा अतीव सुख। आज पूछता हूं तुमसे, सच सच मुझे बतलाओ, हे मेरी प्रिय ब्रजबालाओ, कैसे तुम मन में समझ बैठी यह मुंह अंधेरे? रात्रि के अंतिम चरण में तुम्हें ऐसी अमर्यादित अवस्था में नहीं देखेगा कोई। मैं तुमसे पूछता हूं, जमुना नदी के तट पर खुला आसमान जहां नग्न अवस्था में स्नान करते हुए तुम्हें क्यों ना आई लाज? देख रहा हूं तुम्हें अगर इस अवस्था में, तब तो प्रिय सखियो, ये स्वयं सिद्ध हो गया कि कोई भी देख सकता है तुम्हारे इस अनावृत स्नान को। कान्हा, कान्हा, वस्त्र वापस कर दो कान्हा। क्षमा कर दो हमें, ऐसा दंड ना दो कान्हा। कान्हा, अगर वस्त्र वापस नहीं किए तो हम घर कैसे जाएंगी? कान्हा, हमारी विनती सुन लो। कान्हा, अगर वस्त्र वापस नहीं किए तो हम सब यही डूब मरेंगे। हमारी विनती कान्हा, विनती सुनो कान्हा, कान्हा, कान्हा। तुमने वृक्ष से उतर शालीनता से गोपियों के वस्त्र कदंब वृक्ष के तले रखे और मंद स्वर में तब सोई हुई माननीय वंशी को जगाते हुए
लौट गए बरसाने। जीवन की ठीक उसी पल में हुई नई भोर में गाने नया गीत रचने नूतन संगीत। जमुना की कलकल लहरों वाले छिलमिल रसवर्षी बिंबों से धारा धार मुझे भिगोते हुए यहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ भागते छिपते आँख मिचौनी कभी लुका छिपी जैसा कुछ खेलते। आत्म का विस्तार जब होता तो तार परम आत्म तक पहुंचते हैं। एक अनहद दिव्य संगीत होता है जंकृत। एक राग बनता है महाराग, एक शून्य लेता आकार महाशून्य का। वही है अनादि, जहां से यात्रा होती प्रारंभ है अनंत की दिशा की ओर। माधव, सच तो ये है कि तुम ही एकमात्र अवलंबन हो मेरे। मैं तुमसे पूरी तरह एकाकार हूं, विलीन तुम में। तुम ही हो मेरे परम आत्मा। अभी आप सुन रहे थे काव्य नाटक राधा माधव, लेखक उद्भ्रांत। भाग लेने वाले कलाकार थे नीरज शर्मा, मनोज शर्मा, नौरीन शर्मा, मालविका जोशी, उर्मिला चंदोलिया, सुचित्रा गुप्ता, मृगनयनी पांडे, शांतनु सैनी और सिद्धार्थ भारद्वाज। सहयोग श्रुतिपुरी, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे।